मेरे गुरुदेव के आज्ञा में हम ऐसे रहते जैसे उनके। तो अपने मन की अगर हम करते तो मेरी हालत वैसी होती जैसे सब घर छोड़ के भागते रहते, लेकिन हमने अपने मन को गुरु के चरणों में बांध दिया, आए हमको तो बड़ा फायदा। लेकिन गुरु की आज्ञा, बाप रे, मेरे को तो इतना मजबूत बना दिया कि अभी इतने झमेले में रहता हूँ तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस गुरु कृपा ही की। तुम्हारे शरीर में करोड़ों करोड़ों जीव हैं, उनके आप भगवान हैं। जीवों को, पैरों के बैक्टीरियाओं को सिर तक पहुंचना कठिन, और आपको पैर और सिर क्या माना रखता है? दाहें पैर के जीवाणुओं को बाहें पैर पहुंचना उनके लिए बड़ी यात्रा है बैक्टीरियाओं को, लेकिन आपको दाया बाया क्या दूर है? ऐसे ही परमेश्वर को अतल वितल तल आतल और ब्रह्मांड कुछ दूर नहीं। छोटी उंगली वाले बैक्टीरियाओं को अंगूठे में पहुंचना उनके लिए कठिन है, आपके लिए? आप तो वही पहुंचे पहुंचाए हो। ऐसे जो सब में व्याप रहा है उसी का नाम है परमेश्वर भगवान। उस भगवान को अपने आत्म रूप में जानने की विद्या को बोलते ब्रह्म विद्या, और वह ब्रह्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। उस ब्रह्म विद्या को पाने की तड़प बढ़ जाए। हम क्या करते हैं कि हम संसार का सुख पाने के लिए भगवान के भजन का उपयोग करते, यहां मार खा जाते। कोई भी अच्छे काम करते हैं तो शरीर को या अपने को अच्छा कहलाने के लिए, कोई भी भजन करते तो सुख सुविधाओं के लिए, मतलब संसार को महत्व देते हो, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता, ईमानदारी होती है। अगर ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य हो जाए तो ईश्वर बड़े सरल है, और वे इतने दयालु कि वो प्राप्त होने के लिए न जाने क्या क्या लीला रचते। वो मिलते हैं अकेले में। आप जब संसार को चाहते हैं और संसार के आपकी थोड़ी बहुत चीज देके आपको धन दे दिया और आप उसमें रच गए, तो देखते कि मैंने तो मेरे से मिलने को इसको भेजा और रच पच गया। वो धन में गड़बड़ पैदा करके टेंशन दे के आपको चुप्पी में ले जाएंगे अकेले, अब क्या करूं कैसे करूं, ऐसे करके तो आप शांत हो जाओ। आपको मित्र मिले और मित्रों में उलझ गए तो मित्रों के द्वारा ही शत्रुता ला देंगे, मित्रों से वैराग्य ऐसा माहौल करके फिर आप अकेले में उनको मिलो, ऐसे आपके लिए मौके बनाते रहते। आप यश में फंसे तो यश को आप यश में बदल के आप खुशामत खोरों का पोल जता देगा आपको, और आप फिर आओ उसके चरणों में। आप शरीर के जवानी में खाने पीने मजे में रहे तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके के शरीर को मोटा या बीमार करके शरीर का टेंशन देके आए, अब क्या करें, आओ उसके चरण। उन्हें जाने क्या क्या लीला करते अपने आप में आने के लिए। सत्संग देकर भी अपने आप में ले आवते, सुविधा देकर भी चलो इसकी इच्छा पूरी हुई, अब तो आप अपने आप में आता है झलक, फिर नई इच्छा करते, तो झलक झलक तो उसकी न जाने दिन में कई बार मिलती रहती, और हर रोज रात को भी उसकी मुलाकात होती अपने को। लेकिन ये वही है और मेरा अस्तित्व कल्पना मात्र है, ये विद्या जब तक नहीं मिली तब तक भगवत प्रीति पूर्ण नहीं होती, नित्य नवीन रस नहीं आता। इसलिए फिर बीड़ी वाला बीड़ी से रस लेता है, गप वाला गप से रस लेता है, निंदा वाला चुगली वाला निंदा चुगली से रस लेता है, पैसे वाला पैसे से, रुश्वत वाला रुश्वत से, रस ही तो लेना चाहते, मजा ही तो लेना चाहते। तो इन साधनों से मजा ले ले के जिंदगी पूरी हो गई और वो असली मजा से रह जाते हैं।
अब इन साधनों से जो मजा आता है वो भी है तो उसी की झलक। ये पैसे मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, ये इच्छा थी। अब वो काम हो गया तो इच्छा पूरी हो गई तो मन थोड़ा शांत हुआ, मजा अंदर आता है। मजा तिजोरी को नहीं आता, मजा हाथों को नहीं आता है, आंखों को नहीं आता है, मजा यही आता है। ऐसे पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, लवर लवरी मिल जाए, मिल जाए मिल जाए, इच्छा होती। और ये मिल गए मित्र सगा संबंधी, मल्या नहीं त्या सुधी मन तड़फे, अने मल्या तेरे तड़फ शांत थाय, मन शांत थयु, आनंद आवे परमात्मा सत्ता नो। तो वो ईश्वर अपना आत्मा है और वो बहुत निकट है। ईश्वर आपरो आत्मा छे, बहुत निकट छे, बहुत दयालु छे, बहुत प्रेमाळ छे, अने आपणने मनुष्य शरीर आपीने कृपा करीने एने पाममा माटे। पण जन्मो जन्मोनी वासना, जन्म जन्म की वासना हमको भटका रही है। जो छोड़ के मरना है उसी को महत्व दे रहे हैं, और जो मौत के बाद भी जो अपना साथ नहीं छोड़ता उसको पाने का महत्व नहीं देते, इसी में हम धोखा खा जाते। तो ये धोखा मिटता है सत्संग से, इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ऐसा नहीं लिखा, तुलसी संगत कथा की, तुलसी संगत कथा की नहीं लिखा, तुलसी संगत साध। जिसने अपना ये कार्य परमात्मा प्राप्ति का साध लिया, ऐसे संत पुरुष की संगति करोड़ों पापों को हर लेती। जो सत्संग करते कराते करने कराने में साझेदार होते हैं, वो भगवान के देवी कार्य में भागीदार बन जाते। उन्हीं के लिए शिव जी कहते, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्त। उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति गुरु ज्ञान। नारायण 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 नारायण। तो श्री कृष्ण औधव को कहते, औधव गुरु की एवं गुरु पास नेव भक्त्या विद्या कुठारेण चित्तेन धीरा। गुरु की उपासना करके, गुरु भक्ति की दृढ़ भक्ति की उपासना से कुठार पक्का करके जीव भाव को काट डालो। शरीर में जीने की इच्छा तो जीव भाव आ गया, इच्छा छुट्टी जीने की, और मैं कौन हूं खोज लिया तो जीव भाव गया। जिन खोज जा तिन पाया गहरे पानी पैट, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। वास्तव में हम जीव नहीं है, वास्तव में हम मनुष्य नहीं है, वास्तव में हम पशु पक्षी मनुष्य घोड़ा गधा नहीं है, वास्तव में हम परमात्मा के सनातन अंश हैं, वास्तव में हम आत्मा है। लेकिन जो जो देह मिली उस उसमें आसक्ति होकर जीव भाव से हम थप्पड़े खाते खाते आ रहे हैं। तो मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा भारी काम है कि अपने आत्मा को पहचानना। सुविधा से भजन करना अलग बात है, पति पत्नी साथ में रह के भजन करना अलग बात है, पेंशन से आके आराम की जिंदगी गुजारना अलग बात है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होना बहुत निराली बात है। अब हम रिटायर लाइफ गुजारते हैं, शांति से भजन करते हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो बात ठीक है, लेकिन भजन का फल ये कि आपने ईश्वर को पा लिया कि नहीं पाया, आप निशोक हुए कि नहीं हुए, निर्द्वंद हुए कि नहीं हुए, निर्दुख हुए कि नहीं हुए, दोबारा आपका जन्म नहीं होगा, ये आपका अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो तड़प जगाओ, खोजो जिन्होंने पाया उनकी शरण खोजो, और उनकी शरण में ऐसे रहो जैसे उनकी छाया रहती, तुम उनकी आज्ञा में, चाहे दूर कितने भी रहे, मेरे गुरुदेव के आज्ञा में हम ऐसे रहते जैसे उनके। गुरुजी तो कहीं यात्रा करते रहते और मेरे को आज्ञा कर दी डिशा में रहो। महाराज वो कुटिया आज भी आप देखो तो आप नहीं रह सकते, हालांकि उसको थोड़ा सुधार वधार भी हुआ है, व्यवस्था भी हुई, थोड़ी बाउंड्री भी हुई, पहले बाउंड्री भी नहीं थी, ऐसे कांटे फांटे थी थोर के, और शौच वोच के लिए डब्बा लेके दूर जाना पड़ता था मेरे को।
एक दिन भी मैं नहीं रह सकता, मेरी अपनी गुफा थी, ये वो था, परिचय था, और मैं तो रोज के 10-15 तोला सोना कमाने वाला था। वहां जाके झोपड़ पट्टी के बीच में रुक गया। रात को कुत्ते भौंकते और दिन को ये भील और झोपड़ पट्टी वाले गालियां निकालते रहते, और कुटिया के दीवार पे भी गालियां लिखते थे। बोले गालियां तो आकाश में चली गई, कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचते, वहीं रहो। तो अपने मन की अगर हम करते तो मेरी हालत वैसी होती जैसे सब घर छोड़ के भागते रहते, लेकिन हमने अपने मन को गुरु के चरणों में बांध दिया, आए हमको तो बड़ा फायदा हुआ। बस गुरु कृपा ही केवल, अगर यहां हम थोड़ा सा भी धोखा खा जाते कि चलो अब गुरु जी को पता नहीं चलेगा, खिसक जाए नर्मदा किनारे, तो गुरु जी को कोई ऐसा लेटर लिखे या कोई संचालक मेरे ऊपर था नहीं, मैं तो गुरु जी ने बोला फलानी कुटिया में रहो, कभी मैं चिट्ठी लिखू महीने दो महीने कोई मेरे को मार्गदर्शन दो उत्तर मिले। और जिन्होंने कुटिया बनाई थी वो भी चाहते थे कि हम भाग जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनको फिर से कब्जा करना था। विचित्र नेता था, टाइप का आदमी था, नेता नहीं चाहते कि हमारे जेब का कुछ जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा, बाप रे मेरे को तो इतना मजबूत बना दिया कि अभी इतने झमेले में रहता हूं तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। न जाने कितने कितने प्रॉब्लम वाले आते, कितने कितने इतनी संस्थाएं झमेले होते, लेकिन मेरे को छूटता ही नहीं, क्योंकि ऐसा परिपक्व करके निकाला है, है ऐसे भट्टों से गुजारे हैं, गुजरे हम कहां तो हम अकेले, और कहां आश्रम के कुछ पुराने साधक हमारे को टिकने न दे, और फिर गुरु जी की कृपा देखकर दूसरा जो था अधिकारी गुरु जी इसी को सब देंगे, तो उनको तकलीफ होने लगी। मैं तो बोलता मेरे को भाई कुछ नहीं चाहिए, खाली गुरु जी की आध्यात्मिक कृपा, तो और वो आध्यात्मिक कृपा भी मैंने नहीं मांगा, मैं तो ऐसे रहा बस गुरु जी जानते। तड़प थी तो कभी वैसा पूछता था सवाल भगवान के लिए। और पहले तो हम क्या करते थे, घर में थे ना तो भगवान पहले काली माता को, फिर ऐसे ऐसे भगवान को मानते गए, अब कोई आ रही जे कोई नहीं रही जे, कोई कोई दिखे कभी कभी, कैसे बहुत सारे खेल हुए। फिर आखिरी में शिव जी को इष्ट देव बनाया, और शिवलिंग रखते थे, नाग देवता रखते थे, मुंह लोटी रखते थे। मैं ऐसे ऐसे शिव भक्त था कि लकड़ी भी जलाऊं तो धो के शुद्ध करके सुखा के फिर जलाऊं, उसमें का मैं छूता छूत मानने वाला बंदा था। सचमुच में नहीं धोता था, लेकिन एक दृष्टांत ऐसा साफ सफाई है वो शुद्ध। तो शिव जी को जल चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाऊं, ऐसा मेरा पक्का नियम था। तो मैं तो अपना पूजा सामग्री लेके ही घूमता था, यात्रा करता था। तो एक दिन मेरे शिव जी और नाग देवता ये मिले ही नहीं मेरे को, मैं नैनीताल में गया, तो मैं थोड़ा उदास था। तो बापूजी ने क्या, क्यों आज उदास हो? तो जो मेरा मेरे को हरीफ मानता था, मैं तो उसको हरीफ नहीं मानता था, वो खूब हंसा, बोले बापूजी इनका भगवान चोरी हो गया। तो उसका कटाक्ष व्यंग था, इनका भगवान चोरी हो गया, तो बापूजी ने उस व्यंग को और हवा दी। भगवान बापू जी बड़े, अरे हरे राम भगवान चोरी हो गया, अरे अरे अब क्या होगा, इसका बेचारे का भगवान चोरी हो गया। एक तो सभी भगाने में लगे, एक गुरु जी की छाया थी, अब वो गुरु जी भी भगाने वालों के टोन में मेरी मजाक उड़े तो कैसा गुजरा होगा उस समय, भगवान चोरी हो गया, अरे अब क्या होगा। तो वो सब हंसने लगे, एक किसी आदमी की कैसे मखौल उड़ाई जाती, ऐसा माहौल बन गया। तो ये तो भगवान की दया थी, मेरे को उतना उत्पात नहीं होता था, मैं थोड़ा सिम गया था। फिर साईं ने कहा कि भाई ऐसा भगवान कि जिसको कोई भी चुरा ले उसी भगवान को मानता है, कोई भी उठा ले कोई भी चुरा ले वही तेरा भगवान,
फिर धीरे धीरे प्रकाश हुआ कि गुरुदेव बाहर के भगवानों की पूजा पूरी हो गई, अब वो भगवान जो कोई उठा ना सके, कोई चुरा ना सके, उस भगवान में गुरु ने जगाने के लिए लीला रची है। फिर तो महाराज दो चार दिन में ऐसा काम हो गया अपना के मार दिए छक्का गुरु कृपा ने। अगर कठिन होती ब्रह्म विद्या तो 40 दिन में कैसे काम निपटता। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है और सरल भी नहीं है। सरल इसलिए नहीं है कि सबको क्यों नहीं होता, और कठिन इसलिए नहीं है कि उसमें कोई शर्त नहीं कि 6 महीने लगेंगे, 2 साल लगे। आपको ईश्वर ही चाहिए तो कोई कठिन नहीं है। आपको संसार का मजा लेते हुए ईश्वर चाहिए तो बहुत कठिन है। आपको शुद्ध सुख चाहिए तो कोई कठिन नहीं है, और नकली सुख साथ में रखते हुए शुद्ध सुख लेना है तो बहुत कठिन है। नाक से मजा ले, जीभ से स्वाद का मजा ले, काम इंद्री से विकार का मजा ले, वाहवाही का मजा ले, तो आपके लिए ईश्वर बहुत कठिन है। लेकिन ये सब नाक आंख 5 विषय 8 प्रकार के सुख हैं। रूप देखने का सुख, रस चखने का, गंध सूंघने का, स्पर्श पति पत्नी, शब्द, ये 5 इंद्रिक सुख। फिर मान और बड़ाई, इसका भी सुख होता है लालच। और 8वां सुख है आराम। तो 5 विषय मान बड़ाई और आराम, इन 8 सुखों ने जीव को फंसा दिया। नहीं तो जीव जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप ही है, रत्ती भर का फेर नहीं है। इन 8 सुखों की आसक्ति से छूटा और ब्रह्म ज्ञान का कुल्हाड़ा लिया, गुरुदेव ने पकड़ाया, मैं मार दिया अज्ञान। देखो अब ये बंधा है ना, ये बंधन है ना, ये फूल बंधे है ना, हाँ? कितना भी घुमाओ घूम रहे, इनको तोड़ना कितनी देर लगी, ऐसा होता है। इतनी देर में साक्षात्कार हो गया। वो साहब जो साधना भजन है वो बुरी आदत मिटाने के लिए अच्छी आदत डालनी पड़ती, बुरे आकर्षण मिटाने के लिए अच्छा आकर्षण डालना पड़ता कि चलो भजन करो ध्यान करो, तो वो अंदर का रस धीरे धीरे आए तो बाहर के रस के ये 8 जो आकर्षण है वो मिटाने, और मिट गए तो एक बार वो अच्छी तरह से आ गया तो बस फिर बाहर लेंगे देंगे खाएंगे पिएंगे वाहवाही मान बढ़ाई आराम होगा। लेकिन जैसे कोई राष्ट्रपति पद पे आके पहुंच गया और बाद में कोई उसको बोले चलो भाई आप तो स्टेनोग्राफर थे राष्ट्रपति बन गए, आप तो रिटायर हो गए तो चलो फिर आ जाओ जरा स्टेनोग्राफर बन जाओ, तो उसको उसमें आसक्ति होगी क्या, रुचि होगी क्या? एक स्टेनोग्राफर राष्ट्रपति बन गए, फिर वो राष्ट्रपति पद से तो निवृत्ति भी होती है, यहाँ कोई निवृत्ति नहीं है, बस वो पद तो गिरा देता है, यहाँ तो अच्युत पद है। बहुत अद्भुत है, यहाँ बुद्धि का विकास हो, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो ये भारत ने खोजा। मनुष्य का लाखवां हिस्सा विकसित है, अगर कुछ हिस्से विकसित कर दे तो उसकी बुद्धि उसमें टिक जाए ब्रह्म, और जो जो उस परमात्मा में टिकती त्यों बुद्धि विशाल हो जाती। बुद्धि को विकसित करने का सुंदर उपाय है अजपा गायत्री प्राणायाम ब्रह्मचर्य सत्पुरुषों का संग शास्त्रों का अध्ययन इष्ट देव की उपासना गुरुदेव की उपासना। अब पहले तो मेरे इष्ट देव अलग अलग थे, जब गुरुदेव मिल गया तो सारे इष्ट देव गुरुदेव में समा गए,
सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, पूर्ण गुरु मिले तो और को नमस्कार किया न किया। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए फिर हमारे लिए, सारे देवता सारे भगवान मित्र बन गए। अब भगवान भगवान नहीं रहे, अब यारी हो गई। ऐसे शरणानंद महाराज, गांधी जी उनको सुनते थे आदर से, आनंद में मां भी उनको मान देती थी। गांधी जी के समकालीन हो गए शरणानंद महाराज, प्रज्ञा चक्षु थे सुदास, लेकिन ऐसा ईश्वर प्राप्ति की तड़प की उनको ईश्वर प्राप्ति हो गई तो उनसे कुछ लोग मिलने आते थे। अच्छे वरिष्ठ पादरी मिलने आए, बोले महाराज आप हमारे भगवान जीसस को जानते हैं, जीसस क्राइस्ट? बोले अच्छी तरह से जानता हूं, वो तो मेरा भतीजा लगता है। बोले महाराज ये कैसे कि वो जीसस तो ईश्वर का बेटा है और वो मेरा यार लगता है, जो जीसस का ईश्वर है वो मेरा यार लगता है, मेरा भाई बंद है, तो भाई भाई बंद है तो भाई हुआ, तो तुम्हारा भगवान मेरा भतीजा लगता है, और बिल्कुल अधिकार पूर्वक बात। ऐसे राम तीर्थ विदेशों में गए तो उनको सुनकर लोग आने लगे, प्रेसिडेंट रूजवेल और दूसरे, तो पादरियों की ईसाई मिशनरियों की जरा ग्राह की थोड़ी डिमडिमाने लगी, तो ईर्ष्यावश आते थे भीड़ को देखने सुनने। तो राम तीर्थ प्रवचन करके निकले तो देखा हॉल के बाहर भी इतने सारे लोग, तो कोई व्हील चेयर पे आते हैं ये वो, तो बोले तुम जीसस हो कि नहीं? तो राम तीर्थ क्षण भर चुप हो गए, इतने लोग तुमको मानते हैं, आप जीसस हो कि नहीं? यस या नो में बोल। तो राम तीर्थ ने कहा आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट। तो हु आर यू? तो राम तीर्थ ने कहा आई एम फादर ऑफ द जीसस, मैं जीसस क्राइस्ट का बाप। अंग्रेजी शासन था, जीसस क्राइस्ट जिस ब्रह्म के बेटे थे ईश्वर के, मैं ईश्वर को ब्रह्म खुद ही हूं। तो बोले चांद सितारे तुमने बनाए? बोले हाँ, जब से बनाए तभी से मेरी आज्ञा में चल रहे, इस शरीर में तो मैं अभी आया, इसको चाहे कतरा कतरा कर दो लेकिन करोड़ों शरीरों में मैं व्याप रहा हूं। जैसे एक घड़े में चांद दिखता है, उस घड़े को फोड़ दो तो क्या सारे चांद टूट जाएंगे क्या? और सारे चांद टूट जाएंगे तभी भी क्या मूल चांद मिटेगा क्या? मैं वो ब्रह्म हूं। ओम ओम ओम। ये 1899 और 1900 ईस्वी सन की बात, 105 वर्ष पहले। I am not Jesus Christ, but I am father of the Jesus. ये वो ब्रह्म विद्या है कि आपको ब्रह्म बना दे। वास्तव में आप ब्रह्म हैं, लेकिन जानते नहीं, इसीलिए आए नाक तू सुख दे, आए कान तू सुख दे, आए जीभ के द्वारा तू सुख दे। चाहते सुख ही सुख है, क्योंकि आपका ब्रह्म सुख स्वरूप है। जिन पर कृपा हो जाती है महापुरुषों की, आजापा जाप चलता है लेकिन रुचि नहीं है, तो फिर महापुरुषों ने तो खूब खजाना दे दिया लेकिन रुचि नहीं है तो स्थिति भी नहीं। रुचि हो तो स्थिति हो जाए। अब ये सत्संग सुना अगर पात्र होता तो यहां साक्षात्कार यूं करा दे। तड़प वाला को रुचि वाला तो ईश्वर प्राप्ति तो यूं हो जाए। अभागे विषय विकारों ने और बेवकूफी ने, अब इतना सुनते तो ऊंचाई आई, फिर थोड़ी देर में वो हुआ वो हुआ, तो तोला भर दवाई और शेर खटाई। इसलिए कुछ समय एकांत में जाना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति करनी हो
तो कुछ समय एकांत में निष्काम कर्म और साधना, घर बार से हटकर कोई आश्रम हो, गुरुद्वार हो, जहां ये माहौल मिले,